हेलो एवरीवन, अब अगला क्वेश्चन है हमारा बेल्स ऑफ पिलग्रिमेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार प्लीज़ आप लोग ये सीरीज़ चेकआउट करके आओ। हम लोग वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी हमने अपने चैनल पे, जहाँ पे हम हर चीज़ बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। HTML, CSS, JavaScript पहले पढ़ेंगे, उसका रिएक्ट जेस मतलब अपना मर्ज टैग हम पूरा सीरीज़ इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं, और बहुत सारी फैंटास्टिक चीज़ें हम बनाने वाले हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स के क्लोन, अपना खुद का प्रोजेक्ट फाइनल ईयर का, सब कुछ इस सीरीज़ में कवर होगा। प्लीज़ मेक श्योर आप ये चेकआउट करो। और अगर आपको C++ स्क्रैच से पढ़नी है तो वो भी मैं रोज़ 12 बजे दोनों सीरीज़ को अपडेट करता हूँ नए वीडियो के साथ, तो प्लीज़ आप लोग एक बार जाके इसको चेकआउट करो। वापस आते हैं क्वेश्चन पे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे दे रखा है, चाइल्ड ऑफ अ प्रोफेसी हैज़ एम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी टू सेव द लैंड ऑफ फे, ऑन अ जर्नी शी मस्ट रिंग एन बेल्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इनपुट में क्या लेना है, 4 इंटीजर लेने, NXKP। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं हम बेसिकली। तो यहाँ पे इन्होंने कह रखा है, ईच ऑफ द फर्स्ट एक्स बेल्स शी रिंग्स विल इंक्रीज हर लेवल बाय 10। मतलब जब एक्स बार बेल बजेगी तो हमें कुछ, इन्होंने यहाँ पे MANA करके कुछ दे रखा है, इसका काउंट 10 से बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 से बढ़ जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या कह रखा है, रिमेनिंग बेल्स विल इंक्रीज हर मेना लेवल बाय 5। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन एक्स बेल्स जब बच जाएंगी उसके बाद भी अगर कोई रिमेनिंग होगी, उसके बाद भी अगर कोई रिमेनिंग बेल बचती है ना अगर, तो उसमें कितना प्लस करना है, उसमें हमें प्लस करना है कितनी बार, 5, 5 प्लस करना है। और एज अ बोनस, वंस द फाइनल बेल इज़ रंग, हर मेना लेवल विल इंक्रीज बाय फर्दर 20। मतलब सारी बेल्स अगर बचती हैं, सारी मतलब जितनी बार भी उन्होंने कह रखा है उतनी बार अगर बेल्स बचती हैं तो हमें एंड में 20 प्लस कर देना है। तो सिंपल क्वेश्चन तो है, फटाफट से मैंने यहाँ पे ये ले रखा है, आपको बेसिक टेम्पलेट यहाँ पे दे दिया कि ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, फिर हम व्हाइल लूप चलाएंगे, हर बार इनपुट लेंगे और हर बार इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो फटाफट से लॉजिक लिख लेते हैं, हम इस फंक्शन को लिख देते हैं इंट कैलकुलेट में ना, और मेरे को एन मिल रहा है, पी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है और के मिल रहा है। ठीक है, फटाफट से लिख दूँ, तो मैंने क्या कहा था, तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो एक बार, टेस्ट केस रीड करते हैं, 62080 है, जैसे 62080 है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई बेल रिंग ही नहीं हुई ना, यहाँ पे कोई बेल रिंग ही नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे कोई बेल रिंग नहीं हुई क्योंकि ये तुम जीरो देख रहे हो ना, तो इसलिए आंसर हमारा 80 ही आ गया हमारा, क्योंकि इनिशियल लेवल 80 है हमारा, इनिशियल लेवल 80 है, राइट। सब सारे केसेस में देखो इनिशियल लेवल 80 दे रखा है इन्होंने। और जो हम अब यहाँ पे ये वाली बेल्स जो हैं, मैंने बताया ना तुम्हें कि अगर एक्स बेल्स जो होंगी उसमें 10 एनर्जी प्लस होगी, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने 2 दे रखा है, हर केस में 2 दे रखा है, तो 1 और यहाँ पे कितनी बार बेल बजी है ये दे रखा है। ठीक है, जो हमारा के है वो हमारा है कितनी बार बेल बजी है। ठीक है, और एक्स है वो जब आपको 10 प्लस करना है, और बाकी बार जितनी भी रिमेनिंग बेल्स होंगी उसमें आपको 5 प्लस करना है। ठीक है, तो फटाफट से अब लिख देते हैं कि अगर मेरा जो के है ना, अगर वो लेस देन इक्वल टू एक्स है, अगर मेरा जो के है मतलब जितनी बार भी मेरी ये जो घंटियां हैं जो बज रही हैं, अगर वो लेस देन या फिर एक्स के बराबर है, तो इस केस में ना मुझे क्या करना है, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मेना जो है, मैं कैलकुलेट कर लूँगा और मेना को ना मैं किससे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। ठीक है, और इनिशियली मेना कितना है, यहाँ पे देखो इनिशियली मेना लेवल इज 80, ये आखिरी इंटेजर है, आखिरी इंटेजर क्या है, पी है, तो इंट मेना में इनिशियलाइज करके इसको इनिशियली पी के बराबर कर देता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से देखो, इनिशियली जो मेरा पी है, एक मेरा पी इंटेजर है, एक मेरा एन इंटेजर है, एक मेरा एक्स इंटेजर है, एक मेरा कौन सा इंटेजर है, एक मेरा के इंटेजर है। ठीक है, एन क्या है, टोटल टोटल बार बेल कितनी बार बज रही है, मतलब टोटल बार जो बेल बज रही है वो एन है मेरा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। पी क्या है, पी क्या है, इनिशियल लेवल है, इनिशियल मेना लेवल। ठीक है, इनिशियल जो लेवल है मेना का वो है। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स कितनी बार बेल बजाई गई है, एक्स क्या है, कितनी बार बेल बजाई गई है। ठीक है, तो हमारे पास सॉरी एक्स, देखो एन एक्स के पी, तो एक्स है हमारा, सॉरी एक्स नहीं, के। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक्स क्या है, जितनी बार एक्स बेल्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है +10, मैं गलत बोल दिया पहले, एक्स जो है हमारी जितनी बार हमें 10 प्लस करना है, जितनी बार हमें +10 करना है। ठीक है, और के जो है जितनी बार वो जो भी बंदा है वो बजा रहा है, जितनी बार आप बेल बजा रहे हो। ठीक है, जितनी बार आप बेल बजा रहे हो,
ठीक है। तो अब हमें पता चल गया हमारी सारी चीज़ें क्या है। तो मेरे को बस ये देखना है कि जितनी बार वो एक्स बज रहा है ना, तो मुझे 10+ करना है। तो अगर के लेस देन इक्वल टू एक्स है, इससे कम या एक्स के बराबर है, तो उतनी बार ही मुझे ना क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है उसको, के को। वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं लिख दूंगा मेना इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स इंटू 10, ठीक है, एक्स इंटू 10 लिख दूंगा मैं। और क्या लिखूंगा, और रिमेनिंग बेल्स का भी तो देखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिमेनिंग बेल्स क्या होंगी, मेरी रिमेनिंग बेल्स क्या होंगी, के माइनस एक्स हो जाएगी इंटू 5, ठीक है। तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा। और मुझे ये देखना है कि अगर मेरी टोटल नंबर ऑफ बेल्स जितनी भी बजनी थी, अगर उतनी बार मेरी बज गई है, तो मैं मेना में 20+ कर दूंगा, ठीक है, और एंड में मैं मेना को रिटर्न कर दूंगा। तो मुझे नहीं पता ये मेना क्या है, बट आई होप कि समझ में आया होगा। बेसिकली थोड़ा प्लस माइनस वाला ही क्वेश्चन था, ठीक है। रिमेनिंग बेल्स है, रिमेनिंग बेल्स कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ बेल्स माइनस वही करोगे ना जितनी बार भी रिंग हो रही है। अगर ये नंबर जो 4 है मेरा, ये 6 देखो इसमें बड़ा है ना, तो क्या कर रहा हूँ मैं, दो बार वो प्लस कर रहा हूँ, 10 10 को प्लस कर रहा हूँ, तो 2 × 10 करा मैंने। तो यहाँ पे देखो वही तो करा है मैंने, एक्स इंटू 10 और 4 − 2 × 5। तो आप यहाँ पे टेस्ट केस में भी देख सकते हो, हम बेसिकली वही कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अगर समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें 4 इंटीजर थे, तो हो सकता है आपको समझ ना आए हो, लेकिन अगर आप पेन से लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जल्दी जल्दी समझाने के चक्कर में शायद क्वेश्चन समझ ना आया हो, ठीक है। तो देखो हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है, तो हमने सक्सेसफुली अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आपको पता है क्या क्यों नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आपका एन पी एक्स के क्या है, अगर ये क्लियर नहीं है तो शायद समझ ना आया हो। प्लीज़ एक बार इसको समझो, तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं बस ये बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, कि अगर ये जो मेरा 0 और 1 है, ये जो मेरा 0 और 1 है ना, ये जो मेरा के की वैल्यू जो इन्होंने दे रखी है ना, अगर ये मेरे एक्स से कम है, तो मैं डायरेक्टली के को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना 10 से, डायरेक्टली मैं के को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0 × 10 या 1 × 10 या 2 × 10, क्योंकि मेरे आंसर में सिर्फ मुझे उस वक्त वही कैलकुलेट करना है। 5 वाला केस तो आया ही नहीं, लेकिन जब मेरा 4 या 6, मतलब जो मेरी बेल्स जहाँ पे मुझे 10+ करना था, उससे ज़्यादा बार मैं बजा रहा हूँ, तो मतलब मुझे यहाँ पे रिमेनिंग नंबर ऑफ बेल्स को भी कैलकुलेट करना है। अब समझ में आ गया होगा। और अगर मेरे को सारी जितनी बार एन नंबर ऑफ टाइम्स अगर मैंने कोई बेल बजा दी, तो मुझे एंड में 20+ करना है, तो वो भी मैंने अपना चेक कर लिया कंडीशनल स्टेटमेंट्स की मदद से, इफ़ और एल्स की मदद से, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ एक बार जाके मेरी C++ वाली वीडियो और वेब डेवलपमेंट वाली वीडियोज़ भी चेकआउट करो, ठीक है। थैंक यू, दैट विल बी ऑल, आपको अगली प्रॉब्लम में मिलते हैं हम।